1954 के दड़े का वी सिंध फन तमीर जो शाहकार नमूनो रही है। इतना जहा मल माड़ू तानी जाए ते पर कब्रस्तान पिण पांजो मट पाण आन। एशिया के वे में वे कब्रस्तान मकड़ी में पत्थर से थियल चटसाली जो कम अज भी एंथ्रापालॉजिस्टन के धंधे आंगरू आने लाए काफ़ी है। बिटाई की सूरमी मूमल की काक महल जहा किस्सा तो किताबन में पढ़जन था पर इन वक्त भी सिंध में टे शानदार महल मौजूद हैं जेके मूमल वाली काक महल की याद ताज़ी कन था, जिनमें खेरपुर के वालन पारा अडायल फैज़ महल, टंडे बागे के मीरन पारा खिडड़ी में अडायल साहिबा महल, राजस्थान के सेठ शिव रतन मेहता पारा कराची में समुंड किनारे अडायल मेहता पैलेस अज भी तमीर थींदड़ इमारतुन के मथे जो झूमर बनल है। सिंध परगणे जो सरहदूँ मौजूदा भारत की रियासत राजस्थान से मिलन थी। बिन्हीं इलाकन के गंढन लाए जोधपुर का हैदराबाद तई राजा की रेल हलंदी हुई। जोधपुर तोड़े हैदराबाद की यात्रा कंदड़ बुधायन था तो बिन्हीं शहरों जो रेलवे स्टेशनों सागी तिर्ज से तमीर थियल। मारवाड़ तौर मशहूर राजस्थान के शहर बीकानेर के सेठ शिवरतन मेहता के चार पुट हुआ, जेके यूरोप में आयल कपड़े जहा वा व्यापारी हुआ, जिन जो कलकत्ती में पिण वजू व्यापारी कोठियों। सिंध जो बंगाल से वेझो लागापो होजन करे सेठ शिवरतन जहा ब पुट गवर्धन मेहता और राम गोपाल मेहता 1883 में कारोबार के सिलसिले में कराची लडे आया। गोवर्धन मेहता व्यापारी हो उन करे उन कराची में कपड़े से गड साबुन तोड़े शिपिंग जो कारोबार शुरू किया, जैसे त राम गोपाल वरी लेखक आलिम हो जैं किताब पिण लिखो है जिनकी कापी इन वक्त भी ब्रिटिश म्यूजियम लंडन में मौजूद है। शिवरतन की फैमिली बीकानेर और कलकत्ती में रहंदी हुई, जिते मौसम गर्म होजन मच्छरन सबब शिवरतन की जाल के मलेरिया थी पई। अड़ी सूरत हाल का शिवरतन पानी जाल के कराची आंदो, जिते समुंड की थदी हवा ए खुशगवार मौसम सबब वह जल्द ठीक थी वही। शिवरतन की जाल के कराची भाए पेजी वो उनी वर का उनारे के मौसम में रिहायश इख्तियार कर लाए कराची में घर अजन की फरमाइश कई। शिवरतन की फैमिली शुभनती हुई, क्लिफ्टन में श्री रत्नेश्वर मंदिर शुभनतवारन जो मरकज़ हो, उन्हीं करे शिवरतन मंदिर वेझो अड़ी कुशादी और ऊंचाई वाली जाए की चूंड कई जिता मंदिर पिण नजर अची सको। इन हवाले से मेहता पैलेस बोर्ड के ट्रस्टी हमीद आखूंद बुधायो तो मेहता पैलेस एक तारीखी महल है। साल 1927 में मेहता पैलेस की अदावत शुरू कर लाए उन वक्त के मशहूर आर्किटेक्ट मोहम्मद कुमेल हुसैन तोड़े आगा अहमद हुसैन जो खिदमतू हासिल क्यों। कुमेल हुसैन के दिनल डिजाइन से मेहता पैलेस आगा अहमद हुसैन की डिजाइन से हिंदू जिमखाना की अदावत शुरू कराई वही। शिवरतन मेहता शहनशाह अकबर के फतेहपुर सेकरी तोड़े आगरा के आत्मादुल दौला की दरगाहों के फन तमीर का तमाम घड़ो मुतासर हो, उन्हीं करे मेहता पैलेस तोड़े हिंदू जिमखाना की अदावत पिण भारत के राजाई महल दरगाहों के गजल तिर्ज से शुरू कराई वही। मोहटा पैलेस उन वक्त में ठो जैसे वक्त में अंग्रेजन इजाज़त दिनी लोकल मानून के एक्सपेंड करण की, वह है 1930 की गाल 27 की गाल। उन वक्त में जेके हिते जा वड़ा हिंदू व्यापारी हुआ पारसी व्यापारी हुआ उनके सिवाय वो कैंटोनमेंट एरिया जिते अंग्रेज पांजे एस्टैब्लिशमेंट रखे वेठा मसलन जी नेपो बैरिक्स थो या बो कुछ थो उते इजाज़त दिनों मानून के ठहण की। क्लिफ्टन के पास एकड़ो मारवाड़ी सेठियो हुयो हरमन मोहटा, उन्हें पांजी इते समर पैलेस ठायो। मानू तो चवन था इन करे ठाई तो उनकी जाल जी के सिल हुई टीबी की बीमारी हुई तेने कर चौं तो इतने रखो। सो उन्हें पांजो समर हाउस इतने ठायो। उन्हें जा मतलब दिल्ली में भी कनॉट प्लेस है उते बाकायदा एक वड़ी ऑफिस आए। अड़ी तरह से नाइजीरिया में भी हिंसर उन बार से रहन था। तो यह बिल्डिंग एकड़ो आगा हुयो जेको उते इंडिया में जोधपुर में म्युनिसिपलिटी में कम कंदो हुयो तेखे इते वठी आयो। उन्हें इन्हें पत्थर भी उतां आंदई इहा बिल्डिंग ठाही वई आहे। उन वक्त खां इहा बिल्डिंग इते मौजूद हुई ऐं समुंड वेझो हूंदो हो तंहिंजे करे पोल्यूशन भी कान हुई, तंहिंजे करे उनजा ॿार ऐं उनजा घर वारा ज़ाल ऐं ॿिया उहे उन्हारे में इते ईंदा हुआ। कराची जे तव्हांखे यादि शायदि न हुजे त नंढा आहियो पर कराची उन्हारे में ॾाढो हिकिड़ो सुठो माहौल हूंदो हुओ। जे थोरी गर्मी थींदी त यकदमि मींहुं पइजी वेंदो अहिड़े तरीक़े सां यूरोप वांगुरु हूंदो। सो उन वक़्त में इहा शइ ठही। तंहिंखां पोइ जॾहिं पाकिस्तान ठहियो त इहा बिल्डिंग गवर्नमेंट टेक ओवर कई। जॾहिं गवर्नमेंट टेक ओवर कई त उहो थोरो कावड़िजी पियो, चयो मुंहिंजी ॿियूं बि घणियूं बिल्डिंग्स आहिनि कराची में, तव्हां उहे खणो, हीअ त मुंहिंजे ॿारनि जे लाइ मूं ठाही आहे।
जिना साहब सां बि मिलियो, जिना साहब चयोसि वञी हाशिम रज़ा सां मिल। सो उन करे हू मतिलबु छॾे वियो, चए त ठीकु आहे हाणे इहो मुल्क ॼाणे तई ॼाणो, हीअ बिल्डिंग ॼाणे छॾे हलियो वियो। तंहिंखां पोइ इहा बिल्डिंग जेका आहे सा फॉरन ऑफिस ठही वञे, पाकिस्तान जी फॉरन ऑफिस ते हूंदी। हिन बिल्डिंग में अंदरि आउटलेट्स कोन आहिनि, गुसलखाना कोन आहिनि, बुर्जखानो कोन्हे। उन्हनि त वरी छा कयो, हिन खे भई चेंज बि कयूं। हिन जेका असुल जेको बिल्डिंग जो फसाड या फेस आहे सो समुंड जे पासे आहे। हीअ जेको हींअर जंहिं तरीक़े सां तव्हीं वञो था उहो हिन जी पोयाड़ी आहे। उन में पासे में किचन ऐं बाथरूम वग़ैरह इते हिननि एनेक्सीस में हूंदा। मेन बिल्डिंग में कंहिं बि क़िस्म जी का बि प्लम्बिंग न आहे। हींअर जेका हींअर बिल्डिंग्स वग़ैरह हिते ठही वियूं आहिनि, सॼो क्लिफ्टन जेको आहे बिल्डिंग वॾी वॾी इमारतूं ठही वियूं आहिनि। पहिरियां जॾहिं इहो मोहाटा पैलेस ठहियो हुयो त हिते सिर्फ़ु पोयां समुंड नज़र ईंदो, मथे चवनि था त चढ़ी वेंदी हुई हिन मोहाटा जी वाइफ जेका हुई ऐं समुंड खे ॾिसंदी हुई ऐं समुंड सफ़ा वेझे हूंदो हुयो ऐं तॾहिं हिन जो जेको मुंहुं हुयो उन पासे हुयो। हाणे इहा जेका आहे मुंहुं हेॾां थी वियो आहे बैक साइड वारी साइड। हा ईअं बि थियो पर काफ़ी वक़्त ताईं इहो ईअं ई हुनजो मुंहुं रहियो। पोइ फॉरन ऑफिस जॾहिं ठही न तॾहिं हुन हिन जो इहो चेंज कयो ऐं उन वक़्त में समुंड जेको हुओ सो जेके पोयां घर ठहियल आहिनि न तेसि ताईं हुयो। मूं पाण जेसिताईं हीउ तव्हांजो आहे जिते डॉलमन वग़ैरह आहे उन खां थोरो ओरिते मूं पाण उहो समुंड ॾिठो आहे होसि ताईं। ऐं हिते जेको हींअर कासिम बाग ठाहियो अथनि हिते हिकिड़ी सी ब्रीज़ नंढड़ी हिकिड़ी होटल हूंदी, एसि ताईं पाणी ईंदो हुओ। पोइ जे पाणी जी लहर एसि ताईं हूंदी त होटल न हूंदी, जॾहिं पाणी रिसीट करे वेंदो त वरी होटल हलणु शुरू कंदी। सो उन हिसाब सां इहा जाइ जेका आहे इहा समुंड ॾांहुं हिन जो मुंहुं हूंदो हुओ। अंग्रेज़ दौर में कराची, हैदराबाद ऐं शिकारपुर इहे टे अहिड़ा शहर आहिनि जेके तारीख़ी तौर ते जिते तारीख़ी बिल्डिंगूं आहिनि ऐं उन्हनि जी पंहिंजी हिकिड़ी हैसियत आहे। वॾी ॾुख जी ॻाल्हि आहे त शिकारपुर शहर त बिल्कुलु ख़तमु थी चुको आहे ऐं हैदराबाद में बि जेको हीराबाद वारो ओज हो उहो ॾिसण में नथो अचे। कराची में कुझु जायूं आहिनि जीअं फेरियर हाल थियो, मेहता पैलेस थियो या ॿिया अहिड़ियूं इमारतूं आहिनि, मौजूदु त आहिनि पर उन्हनि जी 100 सालनि खां कंहिं वधीक मरमत त परे जी ॻाल्हि, रंग रोगन कराइण जी बि कोशिशि न कई आहे। मेहता पैलेस या हिंदू जैम खाना ॿ अहिड़ा प्लेस आहिनि या इमारतूं आहिनि जेके अक़लियती बिरादरी ख़ासि तौर ते हिंदू बिरादरी जे पंहिंजे ओञाण ऐं उन्हनि जो अज़मत जो हिकिड़ो ओञाण आहिनि। पर थियो इहो आहे त मेहता पैलेस जी अगरि जे 75 सालनि जी जेका हिस्ट्री अगरि जे ॾिसजे त उहा यूज़िंग मिसयूज़िंग तौर ते थींदी आई आहे। ख़ासि तौर ते जेके हुकूमतरी मशीनरी आहे, कॾहिं सूबाई हुकूमत वटि रही, कॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत वटि रही, कॾहिं इंडिविजुअल माण्हुनि जे हवाले सां रही, पर कंहिं बि इन बिल्डिंग खे त इस्तेमालु कयो पर बिल्डिंग जी मालिकी करण जे लाइ केरु बि तयारु न हो। मेहता पैलेस 1720 चौरस वालनि ऐं हिंदू जिमखाना वरी 47,000 चौरस वालनि ते पखिड़ियल आहे। इन्हनि ॿिन्ही इमारतुनि लाइ बीकानेर ऐं जोधपुर जो गुलाबी ऐं कराची जे इलाइक़े गिजरी जो पथर ऐं सागवान जो काठ मेहता पैलेस जी तामीर लाइ आंदो वियो हो। जॾहिं त ॿिन्ही इमारतुनि जी तामीर लाइ राजस्थान मां सिलावट बिरादरी सां तालुक़ु रखंदड़ मुख़्तलिफ़ मिस्त्री तोड़े पथर ते उकर जो कमु कंदड़ माहिर घुराया विया हुआ। मेहता पैलेस खे टिनि हिसनि में विरायो वियो, हिकु हिसे खे बाग़ीचे ऐं बाग़ लाइ मखसूस कयो वियो, जॾहिं त ॿिए हिसे में वरी हिकु तलाउ तामीर कयो वियो जंहिंमें गरम ऐं थधे पाणी जो बंदोबस्तु थियलु हूंदो। जॾहिं त समुंड सां लॻंदड़ हिसे सां टिनि माड़ तामीर कराई वई जंहिंमें हिकु हिसो बेसमेंट हो, जॾहिं त पहिरीं माड़ महिमाननि जी अचवञ ऐं ॿी माड़ रिहाइश लाइ मखसूस हुई। हिन वक़्तु मेहता पैलेस जी पहिरीं माड़ ऐं ॿी माड़ म्यूज़ियम तौरु इस्तेमालु थी रही आहे। मेहता पैलेस जा नव गुंबद संदसि मुनफरद सुञाणप आहिनि। चिटसाली काठ तोड़े पत्थर ते हुकर जो कमु पंहिंजो मटु पाण आहे। मेहता पैलेस जो बेसमेंट सिधो तलाउ सां लॻंदो आहे। उन तलाउ में गरम ऐं थधे पाणी जो अलॻि अलॻि बंदोबस्तु हो। तलाउ में विझण बाद कपिड़ा तब्दील करण लाइ हिकु अलॻि कमिरो पिणु मखसूस थियलु हुयो। मेहता पैलेस जे ग्राउंड फ्लोर में हिकु कुशादो कॉरिडोर आहे जंहिंजे साॼे ऐं खाॿे पासे ॿ कमिरा ऐं पोएं पासे हिकु कमिरो ठहियलु आहे। उहे कमिरा महिमान खाने तोड़े दावतुनि जे हवाले सां कतब ईंदा हुआ।
ग्राउंड फ्लोर का पेड़ी मार से वन कार की ठहल शानदार दाकण अज भी पांजो ओज जाहिर कर रही है। फर्स्ट फ्लोर से एक शाही हॉल अडियल है जैसे तो पासन का वही काठ जहा उकर थियल ब कमरा पिण आन जे रिहायश तौर कतब इंदा हुआ। महल की हर कुंड से अठ कुंडा गुंबज अडियल मेहता पैलेस में कें दौर में मंदिर पिण अडियल हो जो हाँ ना रो सागी रीत शहर के मुख्तलिफ़ चौकन जहा मेहता पैलेस बारा मुख्तलिफ़ मुजस्मा लगल हुआ जिनके 1960 वाले ढहाके में थियल फसाद दौरान नुकसान पहुंचने बाद हटाया वो। हाँ मेहता पैलेस की छत बारादरी जो मंजर पेश करे थी जिता वेही शिव मंदिर हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी की दरगाह बिन कासिम पार्क सी व्यू और समुंड नज़ारो कर सकजे तो। सावणी वाली रात में मेहता फैमिली छत से वेही बरसात जो मज़ो वठंदी हुई। सीनियर सहाफ़ी अख्तर बलोच बुधायो तो नंढे खंड के विरहांगे बाद कराची शहर के पाकिस्तान की राजधानी जो दर्जो दिनों वो। कराची में एक ही वक्त सूबाई तोड़े वफाकी हुकूमतन की मिशनरी गजन कर इमारतन की खोड़ थी पई। उन वक्त की इंतजामिया सेठ शिवरतन मेहता की फैमिली के हुक्मरान तबके की रिहाइश लाए मेहता पैलेस जो कुछ हिस्सों दियण लाए जोर भरो। शिवरतन 24 कलाक अंदर मेहता पैलेस खाली कर चाबियों वफाकी सरकार के इख्तियार हवाले कर फैमिली के कलकत्ती मुंतकिल कर छो जैसे न कुछ दिन अंदर उन कराची में पानो कारोबार पिण खत्म कर छो। पैलेस ठाण की बड़ी अजीब दिलचस्प कहानी यहाँ है तो उनकी जाल जी है वो थी भी बीमार हूँ तो उनके खोड़ सारा घर हुआ इतने कोई यो ही घर को उनकी जाल थी भी बीमार तो डॉक्टर के दिखार तो डॉक्टर मशवरों दिनों तो समुंड के पास में किथे को घर ठाया तो वो सामुंडी हवा जो लगती तो उन्हें इन तबियत बहाल थी वी तो उन्हें ला स्पेशली यो उनके पांच जाल से वही मोहब्बत हुई तो स्पेशली यो जो सो ठाराई माउटा पैलेस उन स्पेशली इंडिया में जो सो आयो आगा अमीर हुसैन तक बुधाऊँ तो आगा अमीर हुसैन जै हिंदू जिम खाना जो भी ठाया तो वो स्पेशली वो आयो जो सो इनके डिजाइन किया सफा तुम वो ही राजपूत जो आर्ट है उन ही एक नमूनो आ। अच्छा हाँ मसलो यो जैसे पार्टीशन थी तो उनका जो सो खोड़ सारा मसला थे हिंदुस्तान में मानू लड़पड़ाण कर इतने आया तो इतने हिंदू हिंदू जो छे वह उन प्रॉपर्टी हुई उनमें भी वो मसलो यो थो तो हिंदू के भी यो ना हो तो एक भा ओडे रहे पो तो एक भा इत रहे तो ये भी थो तो उनके घर में घिड़ी तो एक बबा हाँ तो ब कमरा खाली है असं भी रहूँ तो हाँ वो कहीं रहन तो नतीजे में वह तो ये माउटा पैलेस से कब्जो कर हुकूमत कब्जो कर वरतो ए हुकूमत कब्जो कर वरतो तो उनके बिन टिन डी जो सो एक दावत हुई त जिते कमिश्नर कराची वो नालो मुख्य याद अची वो आशिम रदा तो उतने का दावत हुई तो उनमें वो कायदे आदम वो तो भाई ये माउटा पैलेस मुखा चवन था खाली कर तो यो मेहरबानी कर तो इनके मतलब ये न कर तो उन आशिम रदा घुराई तो आशिम चई माँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ना आशिम रदा से आशिम रदा घुराई आशिम रदा चो तो सही इन वो हूँ ही तरह खोड़ सारा घर है तो यो एक घर जो अस वी छो तो कड़ो फर्क तो पे न का पो रो को चाबियों वाबी दई हलो वो वापस इंडिया हलो वो तो एडो आलिशान ठहल है उनमें शायद तुम कवर किया या न खबर ना तो अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल भी है उनमें अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल आ वरी वो स्विमिंग पूल जो पानी वरी नकास समुंड छो उन वक्त एतरा घर ही को बेकड़ बेकड़ घर हुआ उनमें ये महल हो तो यो पैरों मुझे ख्याल कराची में मुझी मालूमात मुताबिक पूल तो आन स्विमिंग पूल घर में पर अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल मुझे ख्याल के वायद आने का फातिमा जिना वट हो इतने मॉडलन की शूटू वूटू थी हुई उन फातिमा जिना की गाड़ी भी इतने पी सड़ी हाँ उनके ठाराइन उनका ड्रेस हुआ ये सब कुछ बर्बाद थो हाँ वरी वो शीरी वरी शीरी जिना के मिलो उन वसीयत कई तो मेडिकल कॉलेज ठाया वे डेंटल कॉलेज ठाया वे तो यो वो कोर्ट में वरी केस हलो हाँ उनते तो ाल सकूँ। बहरहाल इं माउटा की पाँच जाल से मोहब्बत की निशानी यादगार हुई इन कर दुख पौतो इन गाल जो वो नेठ पाकिस्तान छे हलो हो एतर खोड़ सारी बिल्डिंगू आन जिनसा हर मानू के पाँच घर से मोहब्बत होंगी वसीयत होंगी मां तो इनके यही चाहवा तो जी उन ताजमहल ठारा शाहजहान तो इं जो सो माउटा साहब यो ठारा पाँच जाल की मोहब्बत में पर बहरहाल जो तकसीम जहाँ अजाब करब मुसीबतूँ दुख सूर उ सहना पवन था
तेने करे वो बेचारो छड़े हल्यो। साल 1947 खां मेहता पैलेस के पड़ी वजारत जी ऑफिस में तब्दील के वयो जेका 25 सालन तई ऑफिस तौर कतबिनी रही ऐं साल 1964 में मेहता पैलेस मादरे मिलत मोहतरमा फातिमा जनाह के रिहाइश लाइ दिनो वियो। फातिमा जनाह जी रिहाइश हुजण करे मेहता पैलेस जो नालो पिण बदलाए कसर फातिमा रखियो वियो। उन्हीं महल में फातिमा जनाह तॾोके सदर अयूब खान खिलाफ़ सदारती चूंड पिण विढ़ी। फातिमा जनाह के लाडाणे बाद संदस भेण शिरीन जनाह मेहता पैलेस में मुंतकिल थी। शिरीन जनाह रुगो मेहता पैलेस जो ग्राउंड फ्लोर पांजे इस्तेमाल हेठ रखियो जडें त बेसमेंट ऐं फर्स्ट फ्लोर अमली तौर बंद रहा। 1980 में शिरीन जनाह के लाडाणे बाद मेहता पैलेस के ताला हणी सील कियो वियो। 1995 में सिंध हुकूमत मेहता पैलेस के खरीद करे उन्हीं के आर्ट म्यूजियम जो दर्जो दिनो। मेहता पैलेस म्यूजियम जो कारोबार हलाने लाए गवर्नर की सबराई में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ठाया वो जो वफाकी तोड़े सूबाई हुकूमत के फंडन से मेहता पैलेस जो कारोबार हलाए रो है। इन वक्त मेहता पैलेस रुगो म्यूजियम तौर मखसूस थल है जिते कदें कदें फनपारन तोड़े हथ के उन्हें जो नुमाइशू लगन्दी रहन। सूबाई वजीर सरदार शाह बुधा तो मेहता पैलेस जहा समूरा मामला बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज दिसंदा सिंध हुकूमत की शुरू का कोशिश रही है तो पाँगी तारीखी वर्सन की मालिकी कई वे। मोहटा पैलेस जो बोर्ड ठहल है मैनेजमेंट बोर्ड है वो लुक आफ्टर कहन रन कह अस न क्या असा कल्चर डिपार्टमेंट हो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में मोहटा पैलेस को जैसे उन्होंने को फेस हाँ को अग का पैर तो मुख्य खबर ना है को चेंज थो हाँ मुझी मिनिस्ट्री के दौरान तो अड़ो को भी उन कम फर्दर न थो मुझे इल्म में ना जैसे उन्होंने को उत कम तो वो EFT वारा ही बुधा सन था उत तो या मोहटा पैलेस की जो मैनेजमेंट बोर्ड है वो बुधा सके तो उन्होंने कम किया ना किया मुझे इल्म में अड़ो को भी कम न थो जैमें उनको फ्रंट फसाद जो है वो चेंज थो हो बाकी जो लैंड की गाल जो मोहटा पैलेस जो एग्जिस्टिंग जो ग्राउंड है कंपाउंड वाल वो उनमें तो वो मौजूद है बाकी जी उनकी बाहर का प्रॉपर्टी हुई छो तो ये जो फैमिली हुई या वही फैमिली हुई जिन ही हिंदू जिम खाना ठहराया हो ये राजस्थानी मेहता हुआ जो उन वक्त में कराची में इलाही प्रॉपर्टी हुई जिनमें एक मोहटा पैलेस भी हुई जो पा मोहटा चौदह पर असल में मेहता है मेहता पैलेस चेज तो सुठो तो मेहता हुआ जो राजस्थान में लड़े इतने आया हुआ कारोबारी उन खबर ना उनको बो को प्लाट है मोहटा से या मेहता पैलेस से लगदड़ को जैसे कब्जो थो मुझे इलम में ना है। फातिमा जना गुजारे वही उनका पतो ही लावारिस मर थी वही ना बिल्कुल उनको को वाली वारिस हो को शिरीन जना वट हुई तो उनका पो तो बिल्कुल ही मतलब दर खुलियल हों मतलब उत मू वा ये वो खोड़ सारा फोटोग्राफर उत मॉडलिंग शूटिंग थी थी होने का पो मोहतरमा के दौर में मुझे ख्याल है इन फंड वो बोर्ड ठाकुर उन्होंने इनके रेनोवेट किया तमाम बेहतरीन रेनोवेट किया जिथा जिथा जी जी हरचंद राय वैशनदास जो मुजस्मो कंद कपियल है वो पोया पे बिहार मुजस्मा खोड़ अड़ा जो मतलब खराब पे थे उन रखा तो इतने जो सोशल एक्टिविटीज शुरू थी मुशायरा थे राग रंग जहाँ प्रोग्राम थे हाँ मोहटा पैलेस एक मतलब सिंध के कल्चर की निशानी के तौर से मतलब जो हिंदुन जो दौर हो जो हिंदुन जो कल्चर हो उनकी निशानी तौर महफूज है इन में बहरल हाँ गवर्नमेंट से उनो बोर्ड है तो बोर्ड उनको किरदार है तो वसत थियल तो न ही पर जैसे मोहतरमा फातिमा जिना के जाए मिली तो इनके 65 इलेक्शन के वक्त में उनका कुछ पैर इनके कसर फातिमा चवण शुरू क्यों तो आम रवाज कसर फातिमा थी वो पर हूँ रिकॉर्ड्स में बेन जहाँ पो इन्हें रिकॉर्ड में एकड़ी जाते कसर फातिमा लिखो पर ओरिजिनल रिकॉर्ड में मोहटा पैलेस है प्रोटेक्टेड हेरिटेज भी मोहटा पैलेस के नाले से है तो यो नालो पो उनके उत्ते रिहाइश के करे पेजी वो पो नालो हलन्दो है मुरविज थो। अच्छा हाँ हेरिटेज के करे सुप्रीम कोर्ट जो बार आयल है तो हेरिटेज जहाँ भी शेय हो कैम किस्म की भजन रहा या बी का शाये ना सको यो ऑर्डर थोड़ा अगर तक याद हो इन हवाले से न यो ऑर्डर यो है 1994 जो जो प्रिजर्वेशन एक्ट है तेमें यो है जो जो प्रोटेक्टेड हेरिटेज है उनके तहां भजी ना सको उन हयत नथा मिटाए सको उन्हें में का अड़ी शे नथा करे सको जैसा उन बिल्डिंग के नुकसान पहुंचे हाँ मेडिकल कॉलेज इन में क्या हलो इन में तो एतरा कमरा को गुसलखाना को प्लम्बिंग को पानी को पार्किंग को क्लासिस को थी सकन तो उन्हें बो तो प्रोटेक्टेड हेरिटेज में तड़ो तो एकड़ी गाल जहन में रखो तो 1930 में जड़ी बिल्डिंग ठही है तो हिंसर इन बिल्डिंग की यह हालत है तो एक पास ना अहलियल है यो अगे ही इनमें एक खतरो है असा उनके कोशिश कई है ठीक करण की
घणनि जायुनि ते जिते जिते हिन में लोह जा पिया आहिनि, रॉड्स पियूं आहिनि हिन जे कम में, उते छा आहे त उहो अंदरां ई अंदरां लोह जेको आहे सो ज़ंगजी वियो आहे। त इहो जेको जोधपुर जो पथर जेको आहे उहो फाटी पियो आहे। हाणे असां उन ई वक़्त खां हुनखे रेस्टोर पिया कंदा वञूं। हिन बिल्डिंग में इहा हिमत ई कान्हे त हिन खे को कंहिं तरीक़े सां तव्हां हिनखे तब्दील कयो या कुझु कयो, ऐं प्रोटेक्टेड हेरिटेज में आहे त तव्हां हिनखे हथ था हणी सघो। इन जे पासे में 200 वाल में या 100 वालनि जे ॿी का कंस्ट्रक्शन नथा करे सघो। मेहता पैलेस जे मुलाज़िम अकबर खुश्क ॿुधायो त शिवरतन शाम जे वक़्तु पंहिंजी घरवारी सां गॾु मेहता पैलेस जी छित ते कचहरी कंदो ऐं समुंड वेझो हुजणु करे मेहता पैलेस जी छित ते शाम जो मंज़रु तमामु दिलकश हूंदो हो। मेहता पैलेस जी सार संभाल हिन वक़्तु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ जे हथनि में आहे। मेहता पैलेस खे वधीक बहितर बणाइण लाइ क़दम खणी रहिया आहियूं। हीअ जेका छित आहे उनजी जेका मुकमल तौर ते खुलियल आहे, चारों तरफ़नि खां खुलियल आहे, जिथे हवा चइनी पासनि खां अचे थी, हिकिड़े पासे समुंड आहे। पहिरियां शुरू में जेको हिन जो मोहटा पैलेस जो मुंहुं हुयो उहो समुंड साइड हुयो, हाणे जेको आहे हीअ मुंहुं हिन जो चेंज थी वियो आहे। हीअ जेको पथर तव्हां ॾिसंदा हूंदव इहो पथर बि तमामु क़ीमती आहे ऐं ॿाहिरि आयो हिन हवाले सां। हिते जेको केयरटेकर आहे असां सां गॾु उन सां ॻाल्हायूं था। साईं हीअ ॿुधाइजो त हीअ पथर जी कहिड़ी ख़ासि ॻाल्हि आहे ऐं इहो किथां खां हिते थी आयो? हीअ बेसिकली आयो जोधपुर मां। आगा अहमद हुसैन जो हुयो जेको पहिरियों मुस्लिम आर्किटेक्ट हुयो, उन शिवरतन मोहटा खे सजेशन ॾिनी त हिनखे एंग्लो मुग़ल अंदाज़ ते ठाहियो वञे, जीअं हिन में ॿ रंग जा पथर इस्तेमालु थियनि। लोकल जेको गिज़री स्टोन आहे उहो त ईज़ीली हिते मिली सघे थो, यानी ॿियनि पुराणी इमारतनि में बि इस्तेमालु थियो आहे, पर ही पिंक जेको आहे बेसिकली जोधपुर जो पथर आहे। एॾो स्ट्रॉन्ग पथर आहे, उन ते ड्रिल मशीन बि कमु नाहे कंदी। हिन जी ख़ुशूसियत इहा मुनफरिद रहंदो आहे ऐं हिन में जेका आहे नमी जो असरु घटि थींदो आहे, इन करे समंड ते ही इस्तेमालु कयो वियो। बेसिकली सिंध गवर्नमेंट बि इन में असां सां सपोर्ट में आहे, हिनखे हलाए पियो, ट्रस्ट पियो हलाए, जंहिंमें जेको फाउंडर ट्रस्टी आहे उहो हमीद आखुंद साहिबु आहिनि, जेके शुरू खां वठी जॾहिं सेक्रेटरी कल्चर हुया तॾहिं खां वठी हिनजी सार संभाल लहंदा आया, स्टिल हिन वक़्त ताईं लहंदा आया आहिनि। हिनजी रेस्टोरेशन अराउंड अ ईयर जेका हलंदी रहंदी आहे, जंहिंमें हिन में रेस्टोरेशन हींअर बि तव्हां ॾिठो पए कमु हले पियो। हुन जा जेके केमिकल्स जेके अचनि था उहे हितां जा न आहिनि, उहे जर्मनी जा आहिनि, स्पेशली जर्मनी मां ईंदा आहिनि या ॿियनि मुल्कनि मां ईंदा आहिनि, उहे हिते इस्तेमालु थींदा आहिनि। जीअं हुनजी लाइफ जेका आहे इहा न आहे त हिकिड़े साल या ॿिनि सालनि जी असां प्लानिंग कंदा आहियूं, घटि में घटि असां 25-30 सालनि जी प्लानिंग कंदा आहियूं, त उनमें वरी बि ज़रूरत न पए असांखे हिन जी। त हीअ बारादारी बि सॾबी आहे बेसिकली, त हिते शाम जे वक़्तु ईंदा हुया चांहि पीअण लाइ या न पंहिंजी फैमिली सां गॾु विहण लाइ, त इन करे ॿिए कंहिं माण्हू खे हिते इजाज़त न हूंदी हुई। शिवरतन ख़ासि हुन जेका महिमान हूंदा हुया उहे ई ईंदा हुया ऐं यकीननि हू इंजॉय कंदा हूंदा वाइफ सां गॾु। ताजमहल ठहिरायो त हीअ शायदि पंहिंजे वाइफ जे लाइ चाहींदो हूंदो त का सुठी हिकिड़ी शइ कयां, पर बेसिकली हिन थियो ईअं त उनजी वाइफ जेका हुई चवंदा त बीमार हुई, बीमारी जे लाइ हुन हिकिड़ी जाइ जो चूंडी जेका ऐं उनजी आबहवा उनखे साफ़ु खपे पई, उनजे लाइ मुंहिंजे ख़्याल सां हीउ ख़ासि तोहफ़ो ॾिनो हुन शायदि पंहिंजी वाइफ खे, मे बी उनजे लाइ इहा फ़ाइदेमंद हुजे। ॾाढो प्लेज़ेंट हूंदो आहे, हिन में को शक कोन्हे त हिन जी शाम जी जेका वेदर आहे तमामु प्यारी हूंदी आहे। ऐं इवन तव्हां जॾहिं हेठि हूंदव तव्हांखे ॿाहिरि ट्रैफिक जो जेको अमूमन कराची में ट्रैफिक जो शोर हूंदो आहे उहो तव्हांखे हिते महसूसु न थींदो, तव्हांखे हिकिड़ी राहत मिलंदी। ऐं बिल्डिंग में तव्हां अंदरि वेंदव त उहा हिकिड़ी उनजी जेका अंदरि जेका रूह में जेका चइबी आहे त माठाण अची वञे उहा शइ तव्हांखे मिलंदी आहे। अहिड़ी थधी हूंदी आहे बिल्डिंग त भले ए सी तव्हांजा बंदि पियल हुजनि या ए सी न हुजनि, उहो त हिन दौर में ए सी आहिनि, उन दौर में ए सी न हुया, ब्लाइंड्स हुया ऐं हवा समंड जी हुई उहा फेस कंदी हुई, त ऐं यकीननि अमेज़िंग वेदर हुई। ऐं जॾहिं हीअ मोहटा पैलेस तयारु कयो वियो त हीअ जेके बंगला आहिनि इहे वग़ैरह नज़र न हूंदा हुया, हिते समुंड हूंदो हुयो ऐं शाम जो जेको आहे समुंड जो पाणी जेको आहे हिते ईंदो हुयो ऐं हवा जेका हुई आबहवा हूंदी हुई बहितरु हूंदी हुई। हिन हवाले सां हीअ मोहटा पैलेस जी छित वारो मंज़रु आहे जिते तव्हांखे चारों तरफ़ चार गुंबद नज़र ईंदा हूंदा ऐं मथे जेके आहिनि जेका माड़ी ठहियल आहे उते 5 गुंबद ठहियल आहिनि जेके तव्हांखे नज़र अचनि पिया। हिते जेको आहे शिवरतन मोहटा जेको आहे पंहिंजी ज़ाल सां गॾु वेही करे कचहरी बि कंदो हुयो ऐं शाम जो लुत्फ़ंदोज़ थींदो हुयो। सीनियर सहाफ़ी सतराम महेश्वरी ॿुधायो त सिंध में तारीख़ी माॻनि खे हथ वठी तबाह कयो वियो आहे ऐं मेहता पैलेस खे असल सूरत में आणे उनजी तारीख़ बाबति हर शख़्स खे ॿुधायो वञे। हिन वक़्तु मेहता पैलेस सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु कुझु रलियूं ऐं कुझु जेके चित्र आहिनि उन्हनि जी नुमाइश उते थींदी आहे ऐं कुझु माण्हू ईंदा आहिनि उहे उते हलिया वञनि था। को कराची में अहिड़ो म्यूज़ियम न आहे जंहिंमें सॼी सिंध जी सकाफ़त जी उजागर थी सघे। मेहता पैलेस 1947 खां पोइ
वफाकी हुकूमत के हवाले रो वफाकी हुकूमत उन पंजवी साल तेजे ऑफिस तौर से यूज़ किया। किस्मत जागी तो कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना के बिन भेनर की ही रहायश रो हाँ एडी वे हेरिटेज के जैसे सिंध हुकूमत के हवाले थो तो सिंध हुकूमत उनके बाकायदे डिक्लेयर कर म्यूजियम कर उनमें एतरू शूँ रखी आज पब्लिक की पार्टिसिपेशन थे पर वो न थो नाले मातर जैसे नुमाइशू लग्यू मालकी न थी तो कुछ धुरन के यो थो तो इतने असा मेडिकल कॉलेज खोलूँ इतने कमर्शलाइज क्यों कुछ मानून जो तो ख्याल हो तो इतने प्लाजा ठही वे पर वो न थी सको सिंध के मानून खास तौर से कराची के जो सिंधी साझा हुआ उन्होंने वही मुखालफत कई उनो यो मामलो इन वक्त बीठल है। मेहता पैलेस जो उरूज जो हो वो बहाल थे खपे उनके लिए सिंध सकाफत खाते के उनसा गड़ गड़ सिंध की हुकूमत के अगते अचान खपे पर थे ये तो सब नाले में तो खुश हैं पर केर भी अमली तौर से कुछ करण वारो ना है। समूरी सिंध में तदें कावड़ की लहर नजर आई जैसे मेहता पैलेस जो नालो तब्दील कर कसरे फातिमा रखण उतें गर्ल्स मेडिकल डेंटल कॉलेज ठाण जो गालियों हलन शुरू थी तो सोशल मीडिया से सिंध हुकूमत के सख्त तनकीद जो निशानो बनाया वो तो कि एक तारीखी इमारत जो नालो तब्दील कर उनको नालो निशान मिटाने की कोशिश कई पी वे इन हवाले से सीनियर सहाफ़ी अमीन अनवर बुधायो तो सिंध हाई कोर्ट में फातिमा जना की वारसी की दावा कदड़ एक शख्स दरख्वास्त दाखिल कराई जैसे सिंध हाई कोर्ट की सिंगल बेंच मेहता पैलेस के कसरे फातिमा जो नालो दई करे उते मेडिकल डेंटल कॉलेज अडण जो हुकुम दिनो हो जै बाद सिंध हुकूमत अपील में आई वो जो हुकुम हो उनते नजरसानी दरख्वास्त दाखिल कराई जो अदालत वो फैसलो वापस वरतो। यह प्रॉपर्टी जी सा मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मिली ए मोहतरमा जे हयाती में ही संद गुजारे वही तो उनकी भेण शीरीन जिन्ना अची इतने रही शीरीन जो पुटो वो मोहतरमा शीरीन जिन्ना का पेरी गुजारे वो हाँ जो ट्रस्टीज मोहतरमा जिन्ना जहा हुआ ए ट्रस्टीज शीरीन भाई जहा उन पाण में थो जड़ो जेके भी असेट्स मिल्कियत हुई उनते वो असना श्री एशिया वाले हिसाब से वो कोर्ट में लाया तो हि भी असो हि भी असो हाँ यो केस सत्तर का वी नवानवे नवे तीन हलन रो टानवे चौरानवे तीन चौरानवे में सिंध गवर्नमेंट तरफा हाई कोर्ट के यो तो यह बिल्डिंग तई अस ये तबाह पी थी थे सील कल है जुबून पी थी थे असके इन में एक म्यूजियम एस्टैब्लिश क्यों या कें अड़े सुठे कम के लिए इस्तेमाल क्यों तो सबीउद्दीन जस्टिस सबीउद्दीन हो उन वक्त में जज उन्हें इनके इवेल्युएट करायो उनकी कीमत लगी कीमत लगाने के लिए उन्होंने चो तो हाँ तले यह खरीद कर तेमें ट्रस्टी सभी एग्री कर सभी मनो तो हाँ भले यह शो विकड़ो वो सिंध गवर्नमेंट ये पैसा न दई सकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई गवर्नर हाउस यानी महमूद हारून साहब गवर्नर हो उते मोहतरमा के गवर्नर साहब चयो मुख्य घुरा पुछूं तो किए थी सके तो है सेवर रेफल फंड में असके पैसा मिलया जैमें असाई बिल्डिंग भी खरीद कई एन की रेस्टोरेशन भी कराई से असा वो पैसा कोर्ट में जमा कराया इनकी कीमत कोर्ट के रिसीवर तय कई तो एतरी थियण घुर्जे ए असके पोजेशन जी मिली सा भी कोर्ट में मिली तो इो तो थो इत कम असा पंजानवे छियानवे का इनके ठाण शुरू किया हिंर को बट साल अग टे साल अग एक मू आरो नालो विश्रांस पे तो पर अची वो याद उन्हें अची चे पाँगी धीए की शादी करण चाहें तो मुझो पी जो है सो कायदे आजम ए शीरीन जिन्ना के माइटन में एक असि खानदानी प्रॉपर्टी है सो कोर्ट में यो असके नोटिस आयो पर उन्हें ही सागे केस से लिंक कर उते जड़ी असी व्यासी तो उनके तो शादी की असा इजाज़त ना दूँ चे तो हि तो मुझी खानदानी मिल्कियत है उत जाओ निपन्न है जो कूड़ो जो ये सवाल ही पैदा को फॉरन ऑफिस हुई शीरीन जिन्ना हुई कायदे आजम तो कहीं इनमें रहे ही को तेखा पो कोर्ट यो फैसलो कियो तो बाबा ठीक है जे इनके को जलसो करणो हुए तो तक जलसे के लिए दियो बाकी शादी तुम इजाज़त ना दियो ते कर हाँ इन्हें हरकत से हो मोटा पैलेस के कोर्ट में वी आयो तेखा पो ओचतो एक डी केस हलो रो ओचतो उन्हें ते हाँ बिल्डिंग जी सो जो विल है ट्रस्ट जी फातिमा जिन्ना की मोहतरमा की ए शीरीन जिन्ना की उनमें यो है तो इतने डेंटल मेडिकल कॉलेज खोलजे
पर मज़े की गाल है तो इन्हनी ट्रस्टीस इन वन इन्हनी ट्रस्टीस कोर्ट के एग्री कयो तो भले ही तुम विकणी छो जो ट्रस्ट डीड है जैमें लिखल है इतने मेडिकल कॉलेज होने घुर्जे या उन्हें में भी वो लिखल है तो जे या जाए उन्हें ते पूरी न रहे तो तुम इन्हें विकणी सको था ए इन जहाँ पैसा उन्हें मैं मेडिकल कॉलेज किथे भी जाए ठाए सको था। जेका गलती थी सा इहा थी तो जेको वकील साहब हो सिंध गवर्नमेंट जो उन्हें शायद समझ में गाल कान आई उन्हें इन्हें जडी गोड़ कियो तो उन्हें रिसीट करे छड़ियो जवाब ले वही छायो इतां बंबट मतो वो जेको बे दुर जो वकील हो ते कोर्ट के चो सही अज फैसलो कयो ताकि असां अज वही वो कब्जो कयूं असां वरी पो वकील कयोसीं ऐं उन हिसाब सां वियासीं डबल बेंच में इन जे ख़िलाफ़ त बाबा इन खे अवल त ही प्रोटेक्टेड हेरिटेज आहे इन खे नथो थी सघे ॿियो त ट्रस्ट में जेको आहे सो अहिड़ी का शइ कान्हे टी ॻाल्हि आहे त असां पैसा ॾेई कोर्ट जे ज़रिए शइ ख़रीद कई आहे त सुभाणे त पोइ कोर्ट का बि शइ अॼु ॾे ॾहनि सालनि खां पोइ चए न इहे न इहे त न हलंदो पोइ डबल बेंच इन आधार ते इहो फ़ैसिलो रद्द कयो ऐं वापसि उन ही साॻी कोर्ट में इहो फ़ैसिलो मोकिलियईं इहो चई त ओवरऑल जेको केस आहे उन में त घणियूं शयूं आहिनि तव्हां हिकिड़ी शइ खे छो था डिसाइड कयो तव्हां यके हुन में डिसाइड कयो उन पर्सपेक्टिव में हिनखे ॾिसो हीअ त ग़लति आहे सो तंहिंजे करे इहो कोर्ट में वापसि वियो ऐं हाणे उन जो स्टेटस इहो आहे त उहो कोर्ट में केस हलंदो पोइ ॾिसूं कहिड़ो फ़ैसिलो थो थिए। इहे 1971 1971 में मोहतरमा फ़ातिमा जिना के जो कज़न थिए हुसैन वल जी उनकी जानिब से फातिमा जिना की जो प्रॉपर्टी थी जिसमें मोहटा पैलेस भी शामिल था और इसके अलावा जो उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद थी उसकी तकसीम के हवाले से एक केस दायर किया गया था जो तकरीबन अब 50 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है इस केस को, लेकिन ताहल इस केस का कोई फ़ैसला नहीं हो सका। अभी गुज़िश्ता जो हमने देखी कुछ बड़ी पेशरफ जो इस केस में हुई थी वो ये हुई थी कि सिंध हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जिसमें जस्टिस जुल्फ़िकार अली शाह शामिल थे उन्होंने ये हुक्म दिया था कि मोहटा पैलेस को जो है वो फातिमा जिना की वसीयत के मुताबिक इसे कसरे फातिमा के नाम से जो है वो पुकारा जाए और यहाँ पर उनकी वसीयत के मुताबिक गर्ल्स मेडिकल डेंटल कॉलेज और उसका लड़कियों का जो हॉस्टल है वो तामीर किया जाए, जिसके बाद सिंध हुकूमत जो है वो इस मामले पर जो है वो काफ़ी नाखुश नज़र आई और उन्होंने इस मामले को जो है वो सिंध हाई कोर्ट के जो अपीलेट बेंच था वहाँ पे चैलेंज किया। सिंध हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था जिसमें ये कहा गया था कि इसको मोहटा पैलेस को जो है वो गर्ल्स मेडिकल डेंटल कॉलेज में तब्दील किया जाए और इसके साथ साथ यहाँ पर एक हॉस्टल भी बनाया जाए, उस पर सिंध हुकूमत का ये कहना था कि वो इस प्रॉपर्टी को जो है वो ख़रीद चुके थे और इस मामले में जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर रकम भी अदा कर दी थी, अब वो ये उनकी प्रॉपर्टी है और सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था उस पर अमल दरामद रोक दिया गया है। ताहम अभी तक सूरत हाल वही है और सिंध हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था जिसमें इसके नाम तब्दीली का और इसमें गर्ल्स मेडिकल डेंटल कॉलेज और ऑफिशियल असाइनी के ये तीन जो अहम अहकाम दिए गए थे सिंगल बेंच के, उस पर अपेलेट बेंच ने जो है वो हुक्म इम्तना जारी कर रखा है और अभी तक ये केस सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है और 1971 में ये केस सिंध हाई कोर्ट में आया था और 50 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद इस केस का फ़ैसला नहीं हो सका है। सिंध में हेरिटेज हैं, कराची में है, उनकी बाकायदा तौर पर जो है वो एक फहरिस्त बनाई जाए, उनकी जो तज़ीन व आराइश के हवाले से जो बजट मुख्तस किया जाता है इस हवाले से भी सेक्रेटरी कल्चर से तफसीलात मांगी गई थी और उनसे कहा गया था कि कौन कौन सी जो बिल्डिंग्स हैं जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और उनकी देखभाल कैसे की जाती है, इन तमाम हवाले से अदालत ने जो एक तफसीली जवाब भी मांगा था। इसके साथ साथ अदालत ने ये वाज़े तौर पर हुक्म दिया था कि हेरिटेज बिल्डिंग जो है उनको उसी तरह प्रोटेक्ट किया जाए, उन्होंने बैरून मुल्क जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं इसके हवाले से भी खासी अपने रिमार्क्स दिए थे कि किस तरह जो तरक्की याफ्ता लोग हैं वो अपने विरासत को महफूज रखते हैं, इसी तरह सिंध में जो है वो जो कल्चर है वो काफ़ी रिच है कि जो है वो यकीनी बनाया जाए ताकि जो सकाफ़ती वरसा है जाके बाहर से जो भी लोग आए इसको देखने के लिए तो ये अपनी असली हालत में जो है वो बहाल होना चाहिए। ज़रूरत इन गाल जी आहे त मेहता पैलेस समेत समूरन तारीख़ी विरसन के सकाफ़ती वरसो डिक्लेयर करे उन्हें महफूज बनाया वाले तो जी तारीख़ी विरसन से केर हथ छुड़ाण न करे सके।